हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मियस, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं दैनिक जागरण के संपादकीय का जो मुख्य पृष्ठ होता है उसके बारे में विचार विमर्श करता हूँ और चीज़ों को सही तरह से बताता हूँ। तो दोस्तों कई सारे लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, तो अच्छा लगता है कि जब वो कहते हैं कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है या फिर ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आप जब कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट करते हैं, अपनी बातें रखते हैं, तो उसके अनुसार ही मैं वीडियो में ज़रूर आपकी बातें करता हूं, ठीक है। तो चलते हैं, आज सबसे पहले उन शब्दों उन वाक्यों की तरफ चलते हैं जिनके स्मरण से हमारा जो दिन होता है काफ़ी अच्छा जाता है या फिर हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, शब्दों की शक्ति बिगड़ा काम भी बना सकती है। जी हाँ मित्रों, आपको बता दें, अगर कभी किसी के साथ मान लीजिए हो जाता है ना कि आपका जो मित्र है या परिवार के कोई कोई भी सदस्य हो किसी बात को लेकर आपसे रूठ जाते हैं, कोई भी हो, कोई भी रिलेटिव हो आपका, तो अगर उससे आप चाहते हैं कि जो आपका बिगड़ा रिश्ता है वो फिर से बन जाए, तो वो एक ही काम कर सकता है जो आपके शब्द करेंगे। आप एक हृदय भाव से उसके पास जाएं और विनम्र होकर उससे बात करें, अपनी बातें प्रमुखता से रखें, वो निश्चित रूप से आपको माफ़ कर देगा और पहले जैसे ही वो आपको अपना सहयोगी अपना मानेगा, ठीक है दोस्तों। तो इन वाक्यों पे थोड़ा ध्यान दिया करिए, अच्छा वाक्य है। अब चलते हैं दोस्तों, पश्चिम एशिया में उबाल का असर, ये अमेरिका ईरान का टकराव जो हमें इसी में बताऊंगा, ये जो कंटेंट है, ये जो संपादकीय है, इनका विषय एक ही है, ठीक है। तो पश्चिम एशिया में उबाल का असर, सबसे पहले देखिए, पढ़ने से पहले आपको यही समझिए कि पश्चिम एशिया में उबाल का असर मतलब जो यहाँ पे लेखक है किस संदर्भ में बात करना चाहता है और किसके ऊपर बात करना चाहता है। तो यहाँ पे लिखा है पश्चिम एशिया, दोस्तों पश्चिम एशिया में आपका इराक, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, सऊदी अरबिया, ये सब जो हैं हो सकता है नहीं, हाँ ये जितने भी हैं सब पश्चिम एशिया में ही आएंगे, जो हमारा कॉन्टिनेंटल है एशिया उसी में सब आएंगे, ठीक है। अब बात हम करेंगे दोस्तों, आखिर पश्चिम एशिया में उबाल क्यों हो रहा है, ठीक है। जो सिया समुदाय हैं या फिर सिया समुदाय से रिलेटेड जो कंट्री हैं, जो इस्लामिक कंट्री हैं, उनमें उबाल क्यों हुआ अमेरिका के प्रति, तो बता दें आपको, 3 तारीख की सुबह कासिम सुलेमानी जो ईरान की शीर्ष सैन्य पदों पर हैं और उनका एक तरह से कह सकते हैं सिया धर्म गुरुओं में भी बहुत बड़ा वर्चस्व था, उनको जो है कि अमेरिका के ड्रोन ने उन्हें मार गिराया और इसकी पुष्टि पूरी जानकारी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसने चेताया भी है कि अब अगर कोई कदम अगर ईरान सरकार उठाती है तो मैं जो है नेस्तानाबूद कर दूंगा और उसके 52 ठिकानों को किस प्रकार से राख में बदल दूंगा। उन्होंने ये ट्विटर के माध्यम से अपनी बातें अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। तो मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे देखिए कई प्रश्न उठता है, इसको समझिए आप लोग, कि भारत जैसे देश को किसी प्रकार की प्रतिक्रिया क्यों नहीं देनी चाहिए जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दिल्ली से लेकर लंदन तक इसके लड़ाकू छिपे हैं जो आतंकवादी के भेष में हैं। तो दोस्तों जाहिर सी है कि अगर आप बात करते हैं ईरान के संदर्भ में, तो हमारा एक ग्वादर बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है जो ईरान और भारत के सहयोग से बन रहा है, और आने वाले समय में वो समझ लीजिए बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र बनने वाला है, ठीक है। एक बात दूसरी है, हमारा उससे क्या है सांस्कृतिक लगाव भी है, और दूसरी बात क्या, तीसरी बात हम ये आपसे कहें कि हमारे देश के, आप बता दें भारत एक ऐसा देश है, जितने भी पश्चिमी मुल्क हैं खासकर से इस्लामिक मुल्क, हर भारतीय ज़रूर हैं उसमें, और बता दें ईरान में काफ़ी अच्छे संख्या में भारतीय वहाँ पे तेल की खदानों में या फिर अन्य उपकरणों में अन्य जगहों पर वहाँ पे कार्यरत हैं। तो ऐसे में भारत ने कोई प्रतिक्रिया न देखी, उसने अच्छा किया, ठीक है। अब सवाल ये भी उठता है, क्या वास्तव में जिस प्रकार के बहाने बता रहा है, बहाने कर रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि ईरान जैसा देश
खुफिया हथियार का निर्माण कर रहा था, जिसकी वजह से आने वाले समय में सारे मुल्क को प्रताड़ित होना पड़ता और वो एक डर बनाता उस हथियार के दम पर। तो इतना कहना बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि देखिए अगर हम गतिरोध की बात करें तो ये गतिरोध पिछले कई सालों से चला आ रहा है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, पश्चिम एशिया में तेल के मामले में बहुत बड़ा भंडार है। इराक को तो उन्होंने लूट ही लिया, पहले इराक ही आता था, पर अब के समय में ईरान है। खाली वहाँ की खुदाई के संसाधन नहीं हैं उस तरह के, क्योंकि तेल ज़्यादातर वहाँ पे वर्टिकल हैं, और वर्टिकल जो उपकरण होते हैं सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि आपको पता है ढेर सारे प्रतिबंध लगाकर अमेरिका ने ईरान की कमर तोड़ दी है। पहले हमारे देश और ईरान के बीच में तेल का अच्छा खासा व्यापार होता था, फिर बाद में जिस प्रकार से प्रतिबंध लगाए गए अमेरिका के द्वारा वो भी अब ठप हो गया। अब हमारा जो है कि निर्भरता दूसरे या अन्य राष्ट्रों मुल्कों के साथ हो गई है। तो दोस्तों इतना भर कह देना, ये देखिए कंस्पिरेसी है, या दिस इज़ एब्सोल्युटली कंस्पिरेसी अगेंस्ट ईरान, और इससे पहले भी इराक पे हो चुका है। उसके बाद जब जांच पड़ताल किया गया इराक पर, तो ऐसे कोई भी दस्तावेज कोई भी सबूत नहीं मिले जिसके दम पे ये कह सके अमेरिका कि हाँ वास्तव में ये हथियार बना रहा था। अमेरिका तो ऐसा कोई हथियार नहीं होगा जो उसके पास ना हो। वो अपने ऊपर प्रतिबंध कभी नहीं लगाया, और ऐसे छोटे छोटे मुल्कों पर जिनके पास कोई बड़े संसाधन हैं उनके ऊपर वो कहते हैं ना हथियार का आरोप लगाकर इस देश को खतरे में डाल सकते हैं, ये देश ऐसा आरोप लगाकर उसको नेस्तानाबूद कर देता है। इराक के साथ ही हुआ था, आपको पता होगा। और जो कासिम सुलेमानी, उसकी बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये देखिए ईरान में कहिए ना, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री, वैसे ईरान के अंदर ये होते हैं जो जिस पद पे ये थे, जिस सिया पद पे थे। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ उस देश के जड़ों को मारना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, और उसकी पुष्टि पूरी जानकारी देना। आपको पता है जिस प्रकार से ईरान ने कहा है कि हम, देखिए यहाँ कई बातें हो सकती हैं, उसके बाद जो है इस प्रतिक्रिया में ईरान क्या करेगा, ऐसा होगा ना, ये प्रश्न उठता है कि ईरान कुछ करेगा कि नहीं। क्योंकि आज बाकी के देश बाकी के लोग यही विचार विमर्श कर रहे हैं कि कासिम सुलेमानी की अब हत्या हो गई, उसने यहाँ तक कि नहीं किया कहा कि नहीं गलती से हो गई, उसने स्वीकार किया है, तो अब ऐसे में ईरान क्या करेगा। तो हम आपको बता दें ईरान देखिए करेगा क्या। सबसे पहले आपको बता दें कि आर्थिक स्थिति ईरान की सही नहीं है। भैया आर्थिक स्थिति कैसे सही रहेगी, और जब सारे देशों के साथ लगभग तमाम देश जो हैं उनको रेड वो दे दिया गया है कि नहीं इस देश के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, तो इससे क्या है उसके देश के अंदर एक कह सकते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है। और दूसरी बात ये है कि ईरान के लोग, ईरान की सरकार ये जान चुकी है कई अगर ईरान कोई भी कदम उठाएगा तो मेरा भी हाल इराक से बदतर हो जाएगा, क्योंकि ये जो बैंदा बैठा है डोनाल्ड ट्रंप ये बेहद ही सनकी है। क्योंकि अमेरिका के अंदर इस समय चुनाव होने वाले हैं, तो वो राष्ट्रवाद के नाम पर ही ये चुनाव जीत लेगा। जब दो देशों के बीच में जंग होता है ना, तो वहाँ पे राष्ट्रवाद की लहर दौड़ जाती है, नेशनलिज्म जिस एक शब्द है, राष्ट्रवाद की लहर सी दौड़ जाती है। ऐसे में कोई भी मुल्क डरेगा। और बहुत सारी देखिए जो क्षमता अमेरिका के पास हो ईरान के पास नहीं है। ईरान के पास सहयोगी राष्ट्र के रूप में कहें तो कोई सामने नहीं आने वाला, और अमेरिका के साथ बहुत सारे देश जो है उस युद्ध में कूद जाएंगे। और ऐसे में क्या है पूरी पश्चिम एशिया को नुकसान होगा, व्यापार ठप हो जाएगा, चीज़ों की महंगाई बढ़ जाएगी। तो ऐसे में क्या है कि विचार विमर्श करना होगा, ईरान पीछे हट जाए। और ये वास्तविकता है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जो कासिम सुलेमानी थे वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे। जितने भी पश्चिमी मुल्क हैं वो अलग अलग अपना एक दल बनाते हैं, और उनका मेन मकसद यही होता है खुफिया तरीके से किसी का भी मर्डर करना, किसी भी देश के इन्फॉर्मेशन को चुरा लेना, अब बम विस्फोट कर देना, चीज़ों को बाधित कर देना। पर एक प्रश्न यह भी है दोस्तों, भारत के संदर्भ में अगर इस तरह के उपकरण बना रहा था ईरान, इस तरह के कृत्य कर रहा था ईरान, तो क्या पाकिस्तान नहीं कर रहा है। ऐसे में मेरा जो विचार है या फिर लेखक का विचार है यही कहता है कि
अगर ईरान ये सब कर रहा था तो उसके शीर्ष कमांडर को मारा जाना पड़ा। तो ऐसे में तो पाकिस्तान भी ही काम कर रहा है, पाकिस्तान भी तो अंडरकवर गतिविधियों से संचालित हो रहा है। प्रधानमंत्री कुछ कहता है, वहाँ का सेना कुछ कहता है, वहाँ के आतंकी कुछ कहते हैं, तो ऐसे में सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा विषय, इसमें जानते हैं कभी भी आप एक पक्ष लेकर नहीं चल सकते हैं। बहुत से जो पाठक होंगे वो ये सोच रहे हैं कि सर बता तो रहे हैं पर मतलब दोनों तरफ से बता रहे हैं। तो देखिए आपको बता दें, आपको किसी को केवल ही केवल सही नहीं बताना, केवल ही केवल गलत नहीं बताना, आपको दोनों पक्षों को रखना होगा, क्योंकि आप नहीं है ना, आपको बस दोनों चीज़ों को देखिए। याद रखिएगा, जीवन में एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होती है देश के अंदर, तो उसके भी दो पहलू हैं। तो उन दो पहलू क्या हैं उसे आप बताइए, इससे नुकसान मुनाफा क्या हो सकता है आप वो बताइए, ठीक है। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें प्रमुखता से रखनी पड़ेगी। सुलेमानी की स्थिति क्या थी, तो सीधे कहिए सुलेमानी की जो स्थिति थी, सिया धर्म गुरुओं में श्रेष्ठ थी, आयतुल्ला के बाद सुलेमानी का बहुत बड़ा वर्चस्व था, ठीक है। तो ये सब बातें आपको प्रमुखता से रखनी होगी। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, जैसे कि अगर अमेरिका में और ईरान के बीच अगर युद्ध हो जाए तो इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा, और ख़ासकर एशिया, पश्चिम एशिया, यहाँ तक कि भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा। पूरा व्यापार ठप सा हो जाएगा, राजमार्ग बाधित हो जाएंगे, देशों के बीच में आयात निर्यात रुक जाएंगे, ऐसे तमाम तरह की प्रॉब्लम है। और इसे समझने के लिए आप क्या करिएगा ना, अपने गाँव के बगल से और कोई अन्य गाँव के थोड़ा दूर से गाँव से अगर युद्ध हो जाए, पर इतना अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि दूर वाला गांव मजबूत है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। होता है, समस्याएं सबको होती हैं। जब दो बड़ी बड़ी राष्ट्र, और इस समय आपको पता है ना हर देश के पास परमाणु हथियार है, जब परमाणु हथियार से युद्ध होगा तो क्या स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने विचार विमर्श कर सकते हैं, और आप भी कुछ बातें मुझे बताइए जो मैं वीडियो में ऐड कर सकूं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।